नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने ही वाला है। बीजेपी सहित सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। वहीं एक बार फिर किसानों ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच का ऐलान किया। इसके लिए दिल्ली के अंदर और बाहर जितने भी बॉर्डर्स हैं उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। हरियाणा पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए पंजाब की सीमा पर भी सुरक्षा बढ़ा दी है। हरियाणा के 15 जिलों में धारा 144, 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं। इसके साथ ही सीमाओं पर बैरिकेड्स, पत्थरों, कीलों और अन्य अवरोधक लगाए गए हैं। किसानों को रोकने के लिए केंद्र की तरफ से चंडीगढ़ में 3 मंत्री वार्ता कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद किसानों को रोक पाना हरियाणा और केंद्र सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। तो किसानों के दिल्ली कूच का आगामी लोकसभा चुनाव पर और हरियाणा की राजनीति पर क्या कुछ असर पड़ेगा, हरियाणा के लिए और केंद्र सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर हैं डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर हैं देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार हैं वीरेन सोनी जी। आप सभी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली ही नहीं पूरे देश और दुनिया में बसे और किसानी से जुड़े लोगों की नजरें अब 13 फरवरी को किसान आंदोलन 2 के दिल्ली कूच पर लगी हुई हैं। हालांकि किसान आंदोलन 2 को लेकर जहां पंजाब के किसान 10,000 ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ 13 फरवरी को कूच के लिए तैयारी किए बैठे हैं और किसी भी तरह की बैरिकेटिंग से ना घबराने की बात कह रहे हैं, वहीं प्रदेश पुलिस ने पंजाब के सीमावर्ती जिलों और संवेदनशील जिलों में सीलिंग और चौकसी बढ़ा दी है। ज्यादा जोर अंबाला में पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर, खनोरी कैथल बॉर्डर, पंजाब से सटे सिरसा फतेहाबाद डबवाली और दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ टिकड़ी बॉर्डर और पानीपत सोनीपत दिल्ली के कुंडली बॉर्डर पर लगा हुआ है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को ना बिगड़ने देने का दावा बार बार हरियाणा पुलिस कर भी रही है। प्रदेश में 13 फरवरी को किसान संगठनों द्वारा दिल्ली कूच के आह्वान के चलते कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा सीमावर्ती तथा अन्य संवेदनशील जिलों में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए 15 जिलों में धारा 144 लगाई गई है, जिसके तहत ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन अथवा मार्च को प्रतिबंधित किया गया है। कानून व्यवस्था सभी के लिए समान है और इसे बाधित करने वालों को सख्ती से निपटा जाएगा। गौरतलब है कि 13 फरवरी के दिल्ली कूच से पहले 12 फरवरी को एक बार फिर चंडीगढ़ में कूच पर निकलने वाले किसान संगठनों और केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों में दोबारा बैठक हो रही है। अगर बातचीत सफल हो जाती है या कोई बीच का रास्ता निकल आता है तो सभी पक्ष अभी तो चैन की सांस लेंगे, क्योंकि मामला ही ऐसा है। इधर चूंकि हरियाणा से निकलकर ही पंजाब के किसान दिल्ली जाएंगे, इसलिए यहां की सरकार भी पल पल की स्थिति पर नजर रखे हुए है। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल, प्रदर्शन और जिस प्रकार के आह्वान वो लोग करते हैं वो कहीं भी डेमोक्रेसी में उचित नहीं है। आखिर पिछली बार हमने देखा है तो जाने के लिए बसें बहुत हैं, जाने के लिए ट्रेन्स बहुत हैं, जाने के लिए अपने साधन बहुत हैं, लेकिन हम ट्रैक्टर लेकर के जाएंगे और ट्रैक्टर को भी हम आगे कोई ना कोई उनके साथ हथियार बांध के लेकर के जाएंगे, हमको रोकेगा तो हम रुकेंगे नहीं। लाइन ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करने के लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। और अब वो स्थिति जो कोई भी नहीं चाहेगा वो ये कि अगर पंजाब के किसान हरियाणा में प्रवेश कर जाते हैं तो फिर वो दिल्ली पहुंचने की कोशिश भी करेंगे। इस जिद में कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर, आपसी तनाव की स्थिति, सरकार, प्रशासनिक अफसर और सशस्त्र बलों के अलावा सियासत से जुड़े लोगों का हर दिन हर घंटा आजकल घड़ी की सुइयों के साथ ही चल रहा है। ऐसे में तो राम ही भला करे सब कुछ ठीक ठाक रहे, क्योंकि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। बिल्कुल।
बिल्कुल एक बड़ी चुनौती है सरकार के लिए, हरियाणा के लिए। पंजाब से किसान कूच कर रहे हैं दिल्ली की तरफ और अब कुछ ही समय बचा है। 13 तारीख को दिल्ली चलो मार्च का जो ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चे की तरफ से किया गया था, वो कहीं ना कहीं अब पल्स रेट को भी बढ़ा रहा है। देवेंद्र, किसान आंदोलनरत हैं, सरकार प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है। पिछले एक साल हमने देखा कि आंदोलन चला, उसके बाद जो मांगे थी उन्हें निलंबित किया गया था। किसानों ने साफ तौर पर अपने आंदोलन को निलंबित कर दिया था, मांगों को सरकार ने, उस पर कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। अब कितनी बड़ी चुनौती। देखिए सौरभ, जब हम चर्चा कर रहे हैं इस संवेदनशील मुद्दे पर, चंडीगढ़ में मीटिंग चल रही है। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा भी अब जो पिछली बार हमने देखा था दिल्ली बॉर्डर को घेरा हुआ था 13 महीने तक, बड़े बड़े किसान नेता थे, हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली से और कुछ मध्य प्रदेश से, दूसरे स्टेट से भी आए थे। लेकिन अब थोड़ा सा संयुक्त किसान मोर्चा बटा हुआ है। दरअसल आज जो जिनकी मीटिंग चल रही है और जो कल दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं, ये संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक है, अराजनीतिक इन्होंने अपना नाम रखा है। जो मूल संयुक्त किसान मोर्चा था उनका अब 16 फरवरी को भारत बंद की तैयारी, आज पानीपत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, उनका यह कहना है कि हम किसानों की मांगों के साथ है लेकिन इस आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। तो संयुक्त किसान मोर्चा 2 प्लेटफॉर्म से लड़ाई लड़ रहा है। ये जो कल दिल्ली जाने की बात करें, ये इन्होंने अपना नया नाम रखा है, संयुक्त किसान मोर्चा ब्रैकेट में अराजनीतिक। जो मूल किसान मोर्चा था वो उनका ये कहना है कि हम 16 फरवरी को ग्रामीण भारत बंद करने की तैयारी करवा रहे हैं, उसमें कर्मचारी भी होंगे, फैक्ट्रियों के मालिक भी होंगे, खेत मजदूर भी होंगे, किसान भी होंगे। तो लेकिन इनका ये कहना है कि मूल मकसद हमारा एक ही है, किसानों की लड़ाई है जो अपने अपने तरीके से लड़ी जा रही है। अभी चंडीगढ़ में 5 बजे का समय था मीटिंग का और मेरे को लगता है 3-4 घंटे तक, 8-9-10 भी बच सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए, क्योंकि ये सरकार भी चाहेगी, किसान खुद भी चाहेंगे। लेकिन किसान, मैं देख रहा था आज दोपहर से ही सौरभ, अमृतसर व्यास से लेकर जालंधर तक का जो एक स्ट्रेच है, वहां दोपहर को एक किसान ट्रैक्टर लेकर चल पड़े। जो वीडियो एक वायरल हो रहा है उसमें किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर जो पंजाब पुलिस की बैरिकेटिंग है उसको लांघते हुए खेतों में से ट्रैक्टर निकालकर जा रहे हैं। ये तस्वीर एक ये दिखाते हैं, उनमें उत्साह तो है लेकिन सरकार पर चूंकि बातचीत अभी शाम को थी, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। किसान नेता ये कह रहे हैं जो आज चंडीगढ़ में मीटिंग करे, कह रहे हैं हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं, सरकार मान ले इसको पूरा कर दे तो शायद हम आंदोलन टल जाएगा, वापस ले लेंगे। उनका ये कहना है कि 23 फसलों पर MSP की कानूनी गारंटी होनी चाहिए कि 23 फसलें जो सबसे ज्यादा उगाई जाती है, सबसे ज्यादा राज्यों में और किसान उगाते हैं, उसकी कानूनी गारंटी चाहिए 23 फसलों की MSP। दूसरा, जो मुकदमे दर्ज हुए थे जब पिछला आंदोलन हुआ था 13 महीने दिल्ली बॉर्डर पर, बहुत सारे किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज है, वो आज तक वापस नहीं लिए गए, हालांकि उसका आश्वासन दिया गया था। और तीसरी मांग इनकी यह है कि MS स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट आई थी, हालांकि अब उनका देहांत भी हो चुका है, जो रिपोर्ट आई थी उसको लागू किया जाए, क्योंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो का भी ये वायदा था जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस सरकार में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू की गई थी। ये कहते हैं कि 3 प्रमुख मांगे, इसके अलावा और मांगे हैं, अगर इन 3 मांगों पर ठोस आश्वासन मिलता है तो हम अपने कदम पीछे खींच सकते हैं। देवेंद्र, सवाल यह है कि सरकार के आगे बड़ी चुनौती है, 2-3 घंटे में कुछ आएगा। बिल्कुल देवेंद्र, सरकार के आगे बड़ी चुनौती है। इससे पहले भी महेश, हमने देखा था कि 8 फरवरी को जो बैठक हुई थी वो बेनतीजा रही, बातचीत हुई सफल नहीं रही। अब चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के 3 मंत्री वार्ता कर रहे हैं किसानों के संगठनों के शीर्ष प्रतिनिधियों के साथ, क्या कुछ हल निकलता नजर आएगा? जिस तरह के देवेंद्र बता रहे थे बातचीत चल रही है और 8 से 9 बजे तक तस्वीर साफ होगी, इस बार कुछ हल निकलेगा? देखिए, मैं ये मानकर चलता हूं कि इतनी बड़ी चुनौती भी ये सरकार के लिए हाल फिलहाल तो नहीं है। दरअसल पिछली बार जो आंदोलन से जुड़ी तस्वीरें हमने देखी थी, जितनी बड़ी तादाद में किसानों का मूवमेंट देखा था और जिस तरीके से टकराव की स्थिति हमें देखने को मिली थी, इस बार ऐसा नहीं होगा। दरअसल तस्वीर को समझने के लिए पहले संख्या को समझने की यहां पर जरूरत है। पिछली बार देश भर के 35 से ज्यादा बड़े संगठन थे जो इस आंदोलनरत थे, जो टकराने के लिए तैयार थे और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। इस बार अगर जो यहां पर जिक्र किया जा रहा है संयुक्त किसान मोर्चा अराजनैतिक, इसमें 6 से 7 आंदोलनकारी जो संगठन है उनकी संख्या कुल तय की गई।
गई है। पिछली बार 35 से ज्यादा थे और इस बार 6 से 7 की संख्या राजनीतिक जो ये संगठन है अभी सामने आया है और इस तरह की परिस्थितियों को कायम करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल संख्या के लिहाज से 1/4 से भी कम जो संगठनात्मक संख्या है वो यहां पर देखने को मिलेगी। उसके बाद ये समझने की जरूरत है कि हरियाणा प्रदेश के कितने संगठन इस अराजनैतिक की जो कॉल दी गई है संयुक्त किसान मोर्चा अराजनैतिक में शामिल है। तो इसमें अभी जो मुख्य रूप से सिर्फ एक संगठन ही बताया गया अभिमन्यु कोहाड़ का यह संगठन है। अभिमन्यु कोहाड़ युवा किसान नेता है और वो इस संगठन के साथ अपने संगठन के साथ किसान मजदूर नौजवान संगठन उनका जो संगठन है वो नाम बताया गया है और उसी संगठन को इस राजनीतिक दल में शामिल यहां पर किया गया है और टकराने की जो स्थिति है हरियाणा प्रदेश के लिहाज से इसी दल के लिहाज से मानी जा रही है। यानी संख्या पिछली बार से 1/4 से भी कम किसानों की देखने को मिलेगी। किसानों का जो मूवमेंट है वो 1/4 से भी कम यहां पर देखने को मिलेगा और हरियाणा प्रदेश के जो सबसे बड़े संगठन किसान संगठन थे वो इस कॉल में शामिल नहीं है। वो दिल्ली कूच के लिए नहीं आगे बढ़ना चाहते और खास बात तमाम दर्शकों को मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि इस अभिमन्यु कोहाड़ के संगठन के साथ और बाकी जो संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक के जो 6 से 7 आंदोलनरत जो संगठनों की जो बातचीत है वो यहां पर हुई हो नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा ऐसा राजनीतिक जो संगठन है उससे तमाम जो बाकी बड़े संगठन है उन्होंने बातचीत की कोशिश की है, संवाद करने की कोशिश की है, एकजुटता कायम करने की कोशिश की है उनकी तरफ से। यानी बाकी जो संगठन इस कॉल से बाहर हैं वो ये कह रहे हैं कि ना तो बीच बचाओ की जो बातचीत है इन संगठनों की तरफ से की जा रही है, ना ही किसी तरह की पहल बातचीत को लेकर ये संगठन करना चाहते हैं। हमने जो है उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी कि किसानों की लड़ाई और एकजुटता के साथ लड़ी जाए, तो ये जो अराजनैतिक संगठन है ये बाकी संगठनों को अपने साथ लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में संख्या बल के लिहाज से समझा जा सकता है कि इस बार सरकार के सामने चुनौती बेहद कमजोर है। सिर्फ और सिर्फ भावनात्मक आधार पर सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर टकराव की स्थिति पैदा होती है तो फिर हो सकता है कि ये जो बाकी संगठन है परिस्थितिवश मजबूर होकर इस आंदोलन में शामिल हो जाए, लेकिन हाल फिलहाल इस आंदोलन से पूर्णतः दूरी ये तमाम जो बाकी बड़े संगठन हरियाणा प्रदेश के हैं कायम किए हुए हैं। बिल्कुल वीरेन जी, जो आंदोलन है दिल्ली कूच की तैयारी है वो किसानों की तरफ से की गई है। पहला ये कि बीच का रास्ता निकलेगा, इसकी सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार और किसानों के बीच रास्ता निकले, लेकिन सवाल बेहद अहम है आंदोलन का लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ सकता है, कैसे देखते हैं? देखिए ये जो आंदोलन है अब सरकार भी इस बात को समझती है। देखिए सरकार कोई ढिलाई नहीं दे रही इसके अंदर और ये किसानों से वार्ता भी कर रही है, मतलब सरकार दोनों तरफ पे काम कर रही है और ये बात निश्चित है कि अभी कुछ किसान हरियाणा के संगठन इसमें शामिल नहीं है, लेकिन इस संयुक्त किसान मोर्चा में देश भर के जो अलग पंजाब के हैं अलग अलग संगठन है और जब किसानों की बात आएगी तो दूसरे किसान भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं, ये भावनात्मक मुद्दा बन जाता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि सरकार के स्तर पर सरकार ऐसा कोई संकेत भी नहीं देना चाहती जिससे ये लगे कि सरकार आत्मसमर्पण की मुद्रा में सरकार सरेंडर कर रही है। देखिए सरकार वार्ता भी कर रही है, संवाद भी कर रही है और देखिए इस बार जो शक्ति है पहले से बहुत ज्यादा है, सरकार कहीं भी कोई ढिलाई नहीं दे रही। कल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर भी सुबह इस मामले की सुनवाई है, उसके अंदर जो है केंद्र सरकार के अलावा पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ प्रशासन को भी पक्ष बनाया गया, तो उस पर यह कहा गया है याचिका में कि ये जो किसान आंदोलन को चलने की सरकार के स्तर पर जो ये कार्रवाई की जा रही है ये जो है अलोकतांत्रिक है, तो इस पर भी और लोगों को भी कठिनाई हो रही है। देखिए ब्याह शादियों का सीजन है और इस तरह की अब जब आवाजाही पर रोक लगेगी तो लोगों की कठिनाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लोग जो है बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। किसान संगठनों के देखिए अपने मुद्दे हैं, लेकिन किसान संगठन भी अगर अड़ियल रवैया अपनाएंगे तो वो जन सहानुभूति भी खो देंगे और सरकार को भी अपनी ये सरकार ऐसा नहीं दिखाना चाहती कि वो किसान संगठनों के आगे घुटने टेकने की स्थिति में। पिछली बार काले जो 3 कृषि कानून थे वो सरकार ने रद्द कर दिए थे, तो इस बार सरकार MSP पर देखिए मुख्य मांग तो सिर्फ MSP की है, वो गारंटी चाहते हैं, लेकिन अब सरकार जो है उस पर कितनी गंभीरता से लेती है, अब चुनाव सिर पर है, देखिए सरकार ऐसा कोई वातावरण भी नहीं बनाना चाहेगी जिससे ये प्रभाव जाए कि ये सरकार किसान विरोधी है। चौधरी भजन लाल जी ने ऐसे दिल्ली कूच को जब सिखों का दिल्ली कूच हुआ था तब 1984 के दंगों के समय उन्होंने इसे विफल किया था, तो उस समय उनकी एक छवि बन गई थी कि वो सिख विरोधी है और भारतीय जनता पार्टी भी जो ऐसा कोई जो है अपने ऊपर ऐसा लांछन नहीं लगने देगी कि वो किसान विरोधी है। सरकार जो है किसानों के साथ सहानुभूति भी बनाए रखेगी और ये भी देखेगी कि वो उसको आत्मसमर्पण पे या वो सरकार कहीं उस कमजोर ना पड़े। वीरेन जी एक बेहद अहम सवाल है, किसानों की तरफ से जो आंदोलन किया जा रहा है हमने पहले भी देखा था, 1 साल तक आंदोलन चला था, तमाम
किसानों की शहादत हुई थी उसमें जाने गई थी। अब सवाल ये कि आंदोलन से बातों को तो मनवाया जा सकता है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन आंदोलन कर क्या जो समय चुना गया है चुनाव से कुछ वक्त पहले, वो टाइमिंग जो है, क्या वो जो समय किसान संगठनों के द्वारा चुना गया है इस बार, क्या वो सही है? देखिए, राजनीति प्रेरित तो है, अगर राजनीति ना भी हो तो राजनीति बीच में घुस जाती है। जिस तरह पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कह रहे हैं कि पंजाब को बंधक बनाकर रख दिया गया है, तो कहीं ना कहीं देखिए आम आदमी पार्टी का भी इस आंदोलन को समर्थन है। कांग्रेस के जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी है। तो राजनीति होती है, अगर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती तो भी ऐसा ही करती। देखिए किसानों का अपना ये समय जब सरकार ने उनकी नहीं सुनी तो उनको इस अवसर की तलाश थी। तो ये हालांकि आंदोलन जब गैर राजनीतिक शुरू होता है फिर राजनीतिक लोग घुस जाते हैं, राजनीति घुसने के बाद फिर आवासीय तत्व घुस जाते हैं। देखिए कई पंजाब के जो सिंगर हैं, आज बब्बू मान ने भी इस आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की है, और भी कई जो लोकप्रिय सिंगर आ जाते हैं, तो आंदोलन में कुछ जो है हिंसक लोग भी शामिल हो जाते हैं। जब ये उसका जो नियंत्रण है और आंदोलनकारियों के हाथ से बाहर हो जाता है तब स्थिति जो है अनियंत्रित हो जाती है, तब उनके लिए भी असहज स्थिति होती है और सरकार के लिए भी। तो इसलिए इस आंदोलन को ऐसी अपेक्षा की जानी चाहिए कि आज जो तीन केंद्रीय मंत्रियों के स्तर पर वार्ता हो रही है उसका कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा। आगे चलकर एक वार्ता और भी होगी। देखिए इससे एक मात्र तीन केंद्रीय मंत्रियों की समिति से बात नहीं होने वाली, वो आगे ठोस आश्वासन चाहेंगे इस क्या रूप लेती है। तो ये आम लोगों की भी ये भावना है कि सरकार पर भी और लोगों की अपेक्षा है कि इस पर कहीं ना कहीं सहमति बननी चाहिए। देवेंद्र, सुरक्षा को पुख्ता किया गया है प्रशासन की तरफ से, टीकरी गाजीपुर सिंगू बॉर्डर पर धारा 144 को लागू किया गया है, डबल ट्रिपल लेयर की जो बैरिकेडिंग्स है, कटीले तार हैं वो लगा दिए गए हैं, प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इस बीच राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो हरियाणा पर इस आंदोलन का कितना असर पड़ेगा? हालांकि हमने जिक्र भी किया था, आप भी बता रहे थे कि हरियाणा के किसान पूरी तरह से मूल जो किसान है वो इन्वॉल्व नहीं है इस आंदोलन में, लेकिन फिर भी अगर प्रभावित करता है, क्योंकि वीरेंद्र जी बता रहे हैं कि भावनात्मक रूप से किसान जुड़ सकते हैं इस आंदोलन में, तो कितना प्रभाव पड़ेगा हरियाणा पर? देखिए सौरभ, अगर पंजाब, देखिए मैं फिर कहता हूं, पिछला जो आंदोलन हुआ था 13 महीने चला था, मेरे को याद है, हमने दर्शकों को भी रिपोर्ट्स दिखाई थी, जब पंजाब के किसान दिल्ली की तरफ बड़े थे तो यमुनानगर से और आसपास के जिलों के हरियाणा के किसान भी दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, लेकिन पंजाब के किसान सबसे पहले पहुंचे थे और जहां जहां बैरिकेडिंग थी, जैसे ही उन्होंने हरियाणा में एंट्री की थी, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, हर जगह बैरिकेडिंग थी पुलिस की, लेकिन पंजाब के किसान बहुत हौसले के साथ, वो एक जेसीबी लेकर आए थे, बड़ी क्रेन लेकर आए थे, क्योंकि मशीनरी का काम बहुत एडवांस है पंजाब में, खेती का काम करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, तो वो जो क्रेने लेकर आए थे, उन्होंने जितने बैरिकेड थे हरियाणा पुलिस के, 6 जिले क्रॉस किए थे, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, सब जगह उन्होंने बैरिकेडिंग को उठा के एक तरफ कर दिया था, और पुलिस ने आंसू गैस छोड़ा, लेकिन वो रुके नहीं, बढ़े गए, और दिल्ली बॉर्डर पर पंजाब के किसान पहले पहुंचे थे, हरियाणा वाले बाद में। इस बार जो चुनौती हरियाणा के लिए है, देखिए अगर पंजाब से वो हरियाणा में एंट्री करते हैं तो फिर उनको 6 जिले क्रॉस करने पड़ेंगे, हर एक जिले में हरियाणा के पुलिस के लिए चुनौती है, सरकार के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, किसी तरह के कोई राजनीतिक शरारत ना हो। तो पंजाब के जो किसान है बहुत दिलेर माने जाते हैं, बहुत मतलब संघर्षशील माने जाते हैं, तो अगर अब चुनौतियां तो बड़ी हैं, क्योंकि 6 जिले हरियाणा से क्रॉस करेंगे, दिल्ली तो बाद में जाएंगे, पहले हरियाणा वालों को, सरकार को, पुलिस को, उनको संभालना होगा, कंट्रोल में करना होगा। एक बड़ी बात सौरभ जरूर कहना चाहूंगा, इस बार जो राकेश सिंह टिकैत गुट है, भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप है, और दूसरा गुरनाम चढ़ूनी जो काफी इफेक्टिव है, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, कैथल, इन जिलों में। गुरनाम सिंह चढ़ूनी से मेरी कल बात हुई, उन्होंने ये कहा जी मैं न्यूट्रल हूं, ना मैं साथ हूं ना विरोध में हूं, और राकेश टिकैत के आदमी भी कह रहे हैं कि हम 16 फरवरी का जो बंद हो रहा है भारत, हम उसमें अपनी ताकत दिखाएंगे, लेकिन हम किसानों की मांगों के साथ है, लेकिन आंदोलन के साथ नहीं। तो इस बार हरियाणा के किसान शांत दिख रहे हैं, और खासतौर पर पानीपत और सोनीपत, सोनीपत में जो खापे हैं, दहिया खाप, आंतिल खाप, मलिक, काफी प्रभाव है, क्योंकि जब पिछली बार 13 महीने आंदोलन चला था तो इन्हीं लोगों ने, सोनीपत वालों ने ट्रॉली भर के दूध, सब्जियां, खाना, आटा वहां पहुंचाया था, जिम्मेदारी ली थी, और सोनीपत में जो इंडस्ट्री है ज्यादातर दिल्ली के लोगों की है, राई में, कुंडली में, उनका ये कहना था कि हमारे को 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ है जब सोनीपत में आंदोलन के कहीं ना कहीं देवेंद्र नुकसान व्यापक स्तर पर देखने को मिलता है। अब खापे देखिए सौरभ, मैं ये कहता हूँ पिछली बार खापों का समर्थन था, खापे साथ थी, लेकिन इस बार सोनीपत की खापों ने इनकार कर दिया है,
कि हम किसानों की मांगों के साथ है लेकिन हम धरने प्रदर्शन के खिलाफ है, हम साथ नहीं देंगे। उनका यह भी कहने कि हमारे बच्चे लड़के लड़कियां दिल्ली पढ़ने जाते हैं, उनकी पढ़ाई नहीं हुई, सब्जियां अंडे तमाम चीजें होती हैं देवेंद्र, जब आंदोलन होता है देवेंद्र नुकसान उठाना पड़ा तो तमाम चुनौतियां आकर खड़ी हो जाती है प्रशासन के सामने भी, आम लोगों के लिए भी उनका आवाजाही प्रभावित होती है, आवागमन प्रभावित होता है और कहीं ना कहीं इसका व्यापक स्तर पर असर देखने को मिलता है। पिछला आंदोलन भी हमने किसानों का देखा था, व्यापक स्तर पर असर देखने को मिला था। महेश, आंदोलन इस बार जिस तरह के देवेंद्र बता रहे हैं कि खापों का समर्थन नहीं है, एसके संयुक्त किसान मोर्चा जो मूल है उसका समर्थन नहीं है, जाट समुदाय ने भी कुछ हद तक ये भी जानकारी मिल रही है कि दूरियां बना रखी हैं, क्या इस बार आंदोलन लंबा चलेगा? क्योंकि राकेश टिकैत कह रहे हैं कि आंदोलन हम लंबा चलाएंगे, क्या माना जाए? देखिए, मैं सातौर से बात करना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि संख्या बल के लिहाज से बेहद कमजोर स्थिति इस वक्त किसान संगठनों की संघर्ष को लेकर, आंदोलन को लेकर नजर आ रही है, और टकराव की स्थिति अगर आती है तो जो किसानों का संख्या बल है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बना रहेगा। अब अगर संख्या बल कम होगा तो जो सरकार की तैयारियां इस वक्त देखने को मिल रही है, ये भी कहा जा रहा है कि पहले से कहीं ज्यादा तैयारियां, पिछली बार से कहीं ज्यादा तैयारियां इस बार सरकार की तरफ से की गई है, अलग अलग जिलों में अलग अलग बैरिकेडिंग की गई है और पहले से कई गुना ज्यादा बड़ा जो सुरक्षा चक्र है वो इस बार तैयार किया गया है। पहली बात तो ये कि किसानों की संख्या इस बार काफी कम आने वाली है, कम अगर किसानों की संख्या बनी रहेगी और पुलिस प्रशासन की बैरिकेटिंग और सुरक्षा बंदोबस्त अगर ज्यादा होंगे तो यकीनन फिर ये जो किसान है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और दूसरी परिस्थिति का अगर मैं जिक्र करूं कि चलिए कम संख्या में भी अगर किसान आगे बढ़ने की कोशिश करें और इन तमाम सुरक्षा घेरों को तोड़ने की कोशिश करें तो सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि किसान किसी भी तरीके से अपनी जान गंवाए। अगर टकराव के दौरान किसी भी तरीके से किसान अपनी जान गंवाते हैं और जान गंवाने वाले किसानों की संख्या अगर बढ़ती है तो फिर सीधे सीधे भावनात्मक मामला हो जाएगा और फिर जो बाकी किसान संगठन इस आंदोलन से, इस संघर्ष से दूरी बनाए हुए हैं, फिर ना चाहते हुए भी उन तमाम किसान संगठनों को इस आंदोलन में, इस लड़ाई में कूदना पड़ेगा जो कि सरकार नहीं चाहेगी। यानी फिलहाल तैयारियां कितनी भी पुख्ता बंदोबस्त आपको नजर आए लेकिन सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस टकराव में किसी भी तरीके से किसानों की जान नहीं जाए। अगर उन्हें बैरिकेड हटाने पड़े, अगर पीछे हटना पड़े तो सरकार ये करेगी। लेकिन फिलहाल अगर जो चुनावी गणित का यहां पर जिक्र कर चल रहा था कि अगर जो राकेश टिकैत कह रहे कि लंबा चलेगा, अगर चुनावी मौसम में नरेंद्र मोदी को हराने की जो कोशिश है वो अगर किसान संगठन उसमें कामयाब नहीं होते हैं तो उसके बाद वो कामयाब नहीं हो सकते, ये टिकैत भी जानते हैं। 13 महीनों के किसान आंदोलन के बाद 750 से ज्यादा किसानों की महेश सवाल यही है कि आंदोलन को लेकर कहीं ना कहीं सरकार भी जो कानूनों को वापस करवा पाए लेकिन एमएसपी पर कानून नहीं बनवा पाए। बिल्कुल, सरकार भी कहीं ना कहीं जागरूक है और सरकार चाहती है कि आंदोलन से बीच का रास्ता जरूर निकले और इसलिए वार्ता भी हो रही है। वीरेंद्र जी, लास्ट कमेंट मैं आपसे लूंगा, क्या इस बार उम्मीद है बातचीत हो पाएगी, रास्ता निकल पाएगा? देखिए, बातचीत तो चल रही है और देखिए मुझे लगता है कि पहले जैसी स्थिति इस बार पैदा नहीं होगी, ना सरकार के स्तर पर ना किसान संगठनों के स्तर पर। देखिए, कल जो है अदालत में सुनवाई भी है, किसान अपना जो है लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है, लेकिन जो है जिस तरह का आम जनता को जिससे कठिनाई होती है तो उससे उनको जन समर्थन नहीं मिल पाता, तो इसलिए मुझे लगता है कि कोई ना कोई ऐसा हल निकलेगा जिससे किसानों की समस्याओं के बारे में कोई ना कोई सकारात्मक संकेत मिलेगा। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। किसान आंदोलन का आखिर व्यापक स्तर पर इसका असर देखने को मिलेगा, कल से दिल्ली चलो जो मार्च है उसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चे ने ऐलान कर दिया है प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं और चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों की वार्ता भी चल रही है। उम्मीद यही करेंगे कि कोई बीच का रास्ता निकले और आंदोलन का समापन शांतिपूर्ण हो, सरकार और किसानों के बीच हल निकले और इस आंदोलन का समापन हो जिससे कि आवागमन प्रभावित ना हो, आम जनजीवन प्रभावित ना हो। सरकार की यही कोशिश रहेगी कि बीच का रास्ता निकाला जाए। देखते हैं अब आगे आने वाले समय में जब इस बैठक के बाद तस्वीर क्या कुछ आती है, किन बातों पर सहमति बनती है, ये देखना होगा।